बहुत लीडरी छा गई है तेरे ऊपर, घर खाली नहीं करता। अभी तेरे चक्कर में जो दूसरे टेनेंट घर खाली कर रहे थे, मना करते हैं। साहब बता रहे थे 7 साल से बड़ा तंग किया तूने, ये कोरट वो कोरट। अभी केस मेरे कोरट में और फैसला सुन ले। 2.5 लाख पकड़, इस कागज पे दस्तखत कर। भाई साहब अब ये केस हाई कोर्ट में है, जो कोर्ट फैसला करेगा वो हम मंजूर कर लेंगे। मतलब मेरा बात नहीं मानेगा तू? देखिए ये मामला इनके और मेरे बीच है, आप बीच में न पड़े तो अच्छा। ए मात्रे, तेरे को मालूम है तू किससे बात कर रहा है? अबे तेरे को मरने से डर नहीं लगता क्या साले? ले 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 ले, नहीं तो ये 2.5 लाख भी नहीं मिलेगा, समझा? हमें घर के बदले घर चाहिए, नहीं तो जो कोर्ट फैसला करेगा वो हम मानेंगे। अबे तेरे को जाने दे इसे, कोर्ट में मिलेंगे हम। जा इसने तो सब शूट कर लिया। हाँ? वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अरे चलो सेठ, कुछ नहीं होगा। सॉरी, इट्स ओके। ये कौन, इसका नाम रजत? रजत है, रजत। हाँ राइट राइट राइट। अरे रजत क्या हुआ? आई एम सॉरी, देख आई एम सॉरी। क्या हुआ? मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। बाद में कुछ नहीं, कुछ नहीं। बाद में हुआ क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है राज, मैं ठीक हूँ। अरे सुन, हाँ
तारा, तारा। Coming. A beautiful gift for the most beautiful woman in this world. Gift? यूं अचानक? बस मूड आ गया। मूड आ गया कि बीवी के लिए कुछ लेने गए थे और तुम मेरे लिए भी कुछ ले आए? Oh, come on, darling. किस बोर का नाम ले लिया? You know, था, darling. चंद बीबियां ड्राइंग रूम में पड़े हुए टीवी की तरह होती हैं। उनको जब ऑन करो पुराना प्रोग्राम चल रहा होता है। और मैं? तुम? आहा, तुम तो इंटरनेट हो। जब ऑन करता हूँ एक नई साइट दिखाई देती है। Good. जरा जल्दी बन के आना डार्लिंग। राज, ये कैसेट किसकी है? कैसेट? कौन सी कैसेट? भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तीन बार आगे पीछे करके देख लिया, कैसेट एकदम खाली है। मतलब कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हुआ और वो साला जर्नलिस्ट ने फुकट में अपना जान दे डाला। भाई साहब, कविता मात्रे का घर कहाँ है? वो वहां से तीसरा रूम। शुक्रिया जी। चल चल। हाँ चलो। बैठो कविता, घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें तुम्हारे घर से कोई नहीं निकाल सकता। राज लड़ेगा तुम्हारा केस। मैं तुम्हारे पति के कातिल को सजा जरूर दिलवाऊंगी। तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। हाय बेबे। हाय जान, बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है, बड़ी सीरियस लग रही हो आज। तुम्हें मेरे लिए एक केस लड़ना है। एक केस? ये जितने केस लड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए तो लड़ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, पहले वादा करो कि ये केस न सिर्फ लड़ोगे जीतोगे भी। अच्छा समझो तुम जीत गई, बोलो आगे। पूछो तो सही किसका केस है। हाँ किसका केस है बोलो। कविता के हस्बैंड का केस, उसके मर्डर का केस। ये कविता के हस्बैंड के मर्डर का जो केस है उसका जिम्मा तो कालरा के छोटे भाई पर है ना? हाँ, और पिछली बार अगर तुमने उसे नहीं छुड़ाया होता तो शायद आज कविता के निर्दोष पति जिंदा होते। मैंने कविता को इंसाफ दिलाने का वादा किया है। तुम मेरी कसम खाकर कहो कि मेरा ये वादा तुम पूरा करोगे, करोगे ना? आइए आइए, क्या बात है, आज पूरी मंडली हमारे यहाँ। क्या रे, क्या कर रहा है तू, मरने का तेरे को? राज, ये क्या कर रहे हो, कालरा भाई के खिलाफ केस लड़ने जा रहे हो? कालरा भाई ने तुझे लाइफ में इतना बड़ा चांस दिया, इतना सपोर्ट किया, इसका ये रिटर्न दे रहा है तू? तू कविता को इंसाफ दिलाएगा? तेरा इंसाफ हम कर देंगे, दो गोली डाल देंगे, तेरा केस कौन लड़ेगा फिर? यार आप बंदूक और तलवार इस्तेमाल करना जानते हो कि कभी कभी दिमाग भी इस्तेमाल करोगे? ये केस मैं नहीं लड़ता तो कोई और लड़ लेता और जीत भी जाता शायद, क्योंकि पब्लिक की संपत्ति तो सौरभ के साथ है। ये तो आपकी तकदीर अच्छी है कि ये केस मैं लड़ रहा हूँ। कलरा साहब, आपके भाई मेरे भाई की तरह हैं। मैं बोला उसको कैसे फांसी के फंदे पर चढ़ा सकता हूँ? मैं जानबूझ कर ये केस हार जाऊंगा। बस फर्क इतना होगा कि आज तक मैंने केस जीतने की फीस ली है आपसे, पहली बार केस हारने के पैसे लूंगा। देखा भाई, मैंने कहा था कि जरूर कोई कमाल का पपलू लाया होगा ये छोकरा। अरे हम लोग सोच भी नहीं सकते, इतनी लंबी प्लानिंग करके बैठा ये, फैंटास्टिक। मान गए गुराना। ये इसको अंदर रख लीजिए आप अपने। I am sorry राज, मैं जरा अपने भाई के इमोशन में बह गया था। Never mind, it's okay. I am sorry. बाय बाय। दिल पर ले रहा हूँ। बाय। ठीक है। कमाल शेर पकड़ के ला। लेकिन तुम्हारे साथ जीतने के लिए कौन सा लॉयर अपॉइंट करूं? तेजपाल एंड एसोसिएट्स में से मिस्टर आदर्श। अच्छा तो ये उफ, याद आए बाबा, मेरे को तो बहुत बड़ा लोचा लग रहा है। क्या हो रहा है? अरे राज और आदर्श के बीच में 36 का आंकड़ा है यार।
राज और आदर्श आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक से एक टिप्पस लड़ा रहे ले। राज ने यहाँ तक कि आपके भाई का केस है ना आदर्श को भी दे दिया, मेरे को तो पूरी दाल काली लग रही है। बात करके देखो आप। क्या रे कालरा बोल रहा हूँ मैं। अरे कालरा साहब क्या करते हो, आपको कितनी बार कहा है कि घर फोन मत किया करिए। ए बोल वचन बंद कर बे। मैंने सुना तेरे और आदर्श का 36 का आंकड़ा है, मेरे साथ गेम कर रहा है क्या? जी हाँ गेम तो खेल रहा हूँ मैं आपके साथ है? क्योंकि केस लेने के लिए मेरी वाइफ ने मुझे मजबूर किया है और वो अच्छी तरह से जानती है कि मेरे और आदर्श के बीच में टेंशन चल रही है, तो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि केस में जानबूझ के हार जाऊंगा। समझ गया आप मेरा गेम? जरा बड़े हो गए हम बच्चे आपके, जरा हमारा ख्याल रखा करिए प्लीज। है आगे से प्लीज है दिमाग है और बंदे में दिमाग तो है। यानू एक कप कॉफी मिलेगी? बहुत थक गया हूँ मैं। मेरा बस चले तो उस कॉफी में जहर मिला के पिला दूं तुम्हें, पर क्या करूं पत्नी हूं ना तुम्हारी। क्यों ऐसा क्या कर दिया मैंने? झूठ मक्कारी और कुछ आता है तुम्हें? एक मजलूम औरत तुमसे इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी और तुमने उसका केस लड़ने से पहले ही उसे हरा दिया। तुम हो ना मुफ्त में आजकल बहुत शक करने लगी हो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो मेरे बारे में? हरगिज नहीं सोच सकती थी अगर मैंने खुद अपने कानों से कालरा को फोन पर नहीं सुना होता। बेबी ऐसा झूठ बोलना पड़ता है मैं फोन पर? एक और झूठ, तुम्हारी सारी जिंदगी एक बहुत बड़ा झूठ बनकर रह गई है। ये 500 रुपए का नोट याद है तुम्हें? ये इसी कविता का केस जीतने पर तुम्हें मिला था, अपने हाथों से तुमने इस पर सत्यमेव जयते लिखा था। तुम ही कहते थे ना सच्चाई के लिए हर चीज छोड़ी जा सकती है लेकिन किसी चीज के लिए सच्चाई को नहीं छोड़ा जाता, और आज पैसों के लिए तुम सिवाय झूठ के और कुछ नहीं बोलते। हाँ झूठ बोलता हूँ मैं, तो तुम क्या समझती हो तुम्हारे डैडी झूठ नहीं बोलते? और माफ कीजिएगा आपके जीजा जी, आपके डैडी से भी बड़े झूठे हैं वो। और क्यों ना झूठ बोले वो? एक आदमी अपना घर परिवार चलाने के लिए, उन्हें सुख देने के लिए वकालत का काम कर रहा है, और उसकी एवज में वो जिससे पैसा लेता है तो उससे इंसाफ नहीं करेगा वो? आदमी काम क्यों करता है और पैसा किसके लिए कमाता है? वो खुद के लिए कि बच्चों के लिए, बीवी के लिए? नहीं, ये पैसा तुम अपने लिए कमाते हो। अगर मेरी जिंदगी में पैसे की इतनी अहमियत होती तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। मैंने तुमसे शादी की तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी साथ की सच्चाई देखकर, और जब ये सब चीजें तुम्हें नहीं रही तो मेरा भी यहां रहने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं अपने बेटे को लेकर यहां से जा रही हूं। सोना अगर तुम गई ना, और हाँ आज कोई बहाना नहीं बनाना क्योंकि मैं नहीं रुकूंगी। और एक और बात, तुम्हें एक और केस लड़ना है हमारे डिवोर्स का। सोना बेबे इतना बड़ा डिसीजन, माना कि रास्ते गलतियां हुई हैं भाभी लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। आप चलो मेरे साथ, मैं समझाता हूं उस गधे को। नहीं मोहन भैया, मुझे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। मैं आपके पास अपना भाई समझ कर आई हूं, अगर आप भी उनकी तरफदारी करेंगे तो मुझे यहां से भी चले जाना होगा। कैसी बातें कर रही हो भाभी, ये घर तो तुम्हारा है लेकिन चिंटू के बारे में सोचो, उसके फ्यूचर के बारे में सोचो। भैया राज के साथ रहकर ना तो मैं खुश रह सकती हूं और ना ही चिंटू का कोई फ्यूचर है, इसलिए मैंने उन्हें तलाक देने का फैसला कर लिया है। अंकल ये तलाक क्या होता है? बेटे भगवान ना स्वर्ग से जोड़े बनाकर धरती पे भेजता है और इंसान उसे तोड़कर जो पाप करता है ना उसे तलाक कहते हैं। अंकल अगर मेरे मम्मी पापा अलग हो जाएंगे तो मैं किसके पास रहूंगा? बेटे ये तो कोर्ट फैसला करेगा कि आप पापा के साथ रहोगे या मम्मी के साथ। कोर्ट मुझसे नहीं पूछेगी कि मुझे किसके साथ रहना है। पूछेगा ना? तब तो मैं बोल दूंगा मुझे मम्मी पापा दोनों के साथ रहना है, तब तो तलाक नहीं होगा ना? ऐसा नहीं होता बेटे, और फिर तुम्हारी मम्मी भी तो नहीं चाहती कि पापा के साथ रहे। क्यों?
तुम्हारे पापा के झूठ से तंग आ चुकी हैं वो। अंकिल, अगर मेरे पापा झूठ बोलना छोड़ दे तो मम्मी पापा को छोड़ के नहीं जाएगी ना? शायद बेटे। मम्मी मेरे पापा के झूठ से बहुत परेशान है, आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता, ऐसा चमत्कार करो कि मेरे पापा कभी भी झूठ नहीं बोले, अगर चाहे भी तो उनके मुंह से कभी भी झूठ नहीं निकले,